देख लीजिए आपका इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करिएगा। तो देखिए भाव इसमें करना कुछ नहीं, देखिए इसमें हार टर्म को निकालो, देखिए है ना, इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पहले बार लिखिए अंडर रूट, पहले इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री है ना, इसके वजह से मेरा इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, इसी को हम कुछ करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर टू टी मान, क्या मान लीजिए टी, और इसको जब बी सी का एंसर, देखिए मेरा ए टी आ रहा है, इसका वैल्यू लिखा है ना, जब हम इसको टी मान लिए बाद में आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका वैल्यू भी निकल जाएगा, देखिए पावर क्या सुन आ जाएगा, यहाँ पर करिएगा डिफरेंशिएशन बी रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर देखिए पावर क्या सुन आएगा, पावर पावर यहाँ पर आएगा और पावर में क्या जाएगा, हो जाएगा टू एक्स का क्या जाएगा, फंक्शन बाहर कर दिए एक का एक वन इक्वल टू बी सी बटा बी एक्स, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड पैसा वापस नहीं चार्ज कर रहे हैं बाबू को, टू एक्स प्लस थ्री इसको क्या जब आप क्रॉस करवा देंगे डी एक्स बराबर बराबर डी टी डी टी, नाउ आई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, तो आई बराबर अगर हम बात कर लें यहाँ पे इसको क्या पुट किए हैं टी, क्या माने टी, यहाँ पर टी लिखिए अंडर रूट टी, इसका वैल्यू क्या लिखा है डी टी, डी टी बटा डी एक्स, डी टी निकला डी टी, क्या सॉरी हाँ डी टी निकला, अब देखिए आसानी से इक्वेशन हो जाएगा, रूट टू लिखिए रूट का हम क्या लिखा है बताइए पावर क्या लिखेंगे वन बाई टू इंटू डी, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तूफान, चलिए तो आई बराबर क्या है बाबू बताइए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे उसी से घटा देंगे भागा देंगे है ना, उससे भाग दे कर प्लस आई बराबर कितना टी पर पावर थ्री बाई टू थ्री बाई टू कितना है बाबू थ्री बाई टू टू प्लस, चलिए क्या देगा पलट दीजिए टू बाई थ्री हो जाएगा है ना, वन बटा वन पलट जाएगा तो बताइए टू पर पावर थ्री बाय टू प्लस थ्री, समझ रहे उल्टा आ जाएगा, चलिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए टू बाई थ्री टी का पहले देखिए है ना क्या है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स पर पावर थ्री बाई टू अलग ये आपका आंसर आंसर है ना, ये आपका राइट है, चलिए इसी टाइप का देखिए बाबू प्रतिस्थापन देखिए वो करना है, तो सबसे पहले देखिए आई अगर हमें थोड़ा सा दिमाग लगा बस थोड़ा सा इसको सीधा कर दिए एक सौ स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यहाँ पर इंटू बताइए क्या है बाबू फोर एक्स फोर एक्स प्लस टू है ना, हम तो जान रहे कि जो हार्ड टर्म है वो तो करना ही सीखो हम है ना, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे है ना रिमोट के अंदर अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस वन आएगा, यहाँ तो फोर एक्स प्लस टू है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा क्या प्रतिस्थापन करने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर जो है वो कॉमन हो जाएगा आपको टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, अभी दो जो है बाबू इसको बाहर निकाल दो तूफान दो, अब सही से लिखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बच गया टू एक्स दो कमा लगे यहाँ बना हो गया टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, अब देखिए अब जब आप इसको पुट करिएगा है ना
इसको स्थान पे पुट कर लीजिएगा, लेकिन जो पुट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर टू टी। जब आप इसको पुट कर दिए किसी तरीके आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन बी रिस्पेक्ट टू एक्स, बी रिस्पेक्ट टू एक्स कितना जाएगा, टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा ये बताइए, इसका डीसी करिएगा वन, इसका जीरो बराबर डी टी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स बराबर डी। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान आइए, टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना, आई बराबर टू अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा क्या डी टी, इसको स्थान पर क्या रखेंगे डी टी डी। अब देखिए क्या कहेंगे, आई बराबर टू अंडर रूट टी पर पावर वन बाई टू इंटू डी टी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, टू इंटू पावर में क्या करेंगे एक जोड़ेंगे उसी से क्या करेंगे भागा देंगे प्लस सी, आई बराबर टू गुना थ्री बाई टू यहाँ पर कितना जाएगा थ्री बाई टू प्लस थ्री। चलिए इसको पलट दीजिए, क्या आ जाएगा टू बाई थ्री टी पर पावर थ्री बाई टू प्लस ये कितना रहेगा फोर बाई थ्री, टी का वैल्यू कितना कितना पुट किया रखिए इसको कितना प्लस वन थ्री बाई टू प्लस सी ये आपका राइट है ना, बस करना कुछ नहीं था।